फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइस मूवी रिव्यूज। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आज हम एक नए सेक्शन के साथ आए हैं जिसका नाम है ट्रेलर टॉक्स। जी हाँ, ट्रेलर टॉक्स एक नया इनिशिएटिव है जहाँ पे नए मूवीज जो भी रिलीज हो रहे हैं हम उनके ट्रेलर के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ट्रेलर उस मूवी को जस्टिस कर रहा है, क्या ये मूवी देख सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर बोदुल और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाइस मूवी रिव्यूज के कोर टीम मेंबर्स मिस्टर दीपक चौधरी। हाय दीपक। एंड मिस्टर तपन पतानी। दीपक, तपन एंड मायसेल्फ, हम लोग ट्रेलर को देखेंगे एंड देन वी विल रिव्यू इट अकॉर्डिंगली। सो आज कौन सा मूवी है जिसका ट्रेलर हम देखेंगे? सो गाइज, जैसे आपको पता होगा कि आज अजय देवगन की भुज जो मूवी है उसका ट्रेलर आया है। सो लेट अस वॉच द ट्रेलर एंड सी व्हाट द ट्रेलर हैज इन स्टोर। एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके रनवे और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। हमने चुने कुछ अलग ही रास्ते, तो गई। पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना। कबीरा, क्यों जंग का ऐलान है? आज खुदा खुद परेशान। भगवान कृष्ण ने कहा है किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम। अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल प्यार की निशानी है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय कारने रनवे रिपेयर नहीं कर लेते तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। या खुदा, तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। सो अभी हम लोग ने ट्रेलर देखा। ट्रेलर देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे अगर भुज फिल्म की बात की जाए तो भुज बेस्ड है 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर के ऊपर। जैसे कि ट्रेलर में हम देख रहे हैं
कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के भुज के एयरबेस पे अटैक कर रहा है. सो दिस स्टोरी एक्चुअली इज अ रियल लाइफ स्टोरी एंड इसमें एग्जैक्टली ये प्रोसीडिंग्स हुए थे उस टाइम पे. और कहानी इस चीज को एक एक बहुत ही रोमांचक ढंग से पेश करने की कोशिश कर रही है. सो लेट्स मूव ऑन टू माय टीम मेंबर्स एंड लेट अस अंडरस्टैंड उनका क्या व्यू पॉइंट है इस ट्रेलर के बारे में. सो सर, बाय द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ एंटरटेनिंग कंपोनेंट्स. इसमें मसाला है, इसमें एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है. And the star cast also, I mean, justifies the actual plot of the movie. And an important thing to note about this trailer is that the film is definitely going to be very VFX heavy. जैसा कि हमने देखा first scene में और जो concluding scene थे, उसमें VFX काफी ज़्यादा use किया गया है और बहुत effectively use किया गया है. अपन आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, पूरी तरह से कमर्शियल मूवी है. लेकिन ट्रेलर में एक चीज मिसिंग है. एक्चुअली ये जो कहानी है, जब एयरबेस पूरा साफ कर दिया था पाकिस्तान ने, तो 300 औरतों ने, जो गांव की औरतें हैं, उन्होंने इसमें मदद की थी एयरबेस को रिक्रिएट करने रियल में. पता नहीं है ट्रेलर में कैसे दिखाया, पर कहानी पूरी तरह से कमर्शियल है. अगर आपने तानाजी देखी उम्र और की, तो वो इस जो पैटर्न है उनका बनाने का, उसमें वो मास्टर है. तो फिल्म बहुत एंटरटेनिंग तो होने ही वाली है. ओके, पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म है. और सारे और मसाले जो दीपक सर ने भी कहा, वो सारे मसाले हैं इसके अंदर. सो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नियर अबाउट हम लोग ने देखा था कि तानाजी जब रिलीज हुआ था, सो हम लोग ने अजय देवगन को एस तानाजी देखा था. मेरे ख्याल से इस मूवी में भी वो एक मराठा का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो एक डायलॉग में बोलते हैं कि मराठा या तो ही मराठा तो मारता है या मरता है एंड स्टफ लाइक दैट. सो डायलॉग्स आर गुड, डायलॉग बहुत अच्छा. ट्रू. और फिल्म के ट्रेलर के पर्सपेक्टिव से 5 कैरेक्टर्स जो स्टैंड आउट करते हैं, जो कि नोटिसेबल थे, अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर एंड नोरा फतेही, सरप्राइजिंगली. सो आई थिंक नोरा फतेही हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, या बिकॉज आई मीन एज ऑफ नाउ शी इज मोर इनटू द आइटम सॉन्ग्स एंड ऑल, बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई सॉ इज दैट शी might be getting a mainstream role, or that she might be able to justify. I mean, it's too early to say, but ye 5 characters jo hain ye puri trailer mein stand out kiye hain. Especially Sharad Kelkar's voice is something that is really something to look forward to. His dialogue delivery is unmatchable and his voice complements that brilliantly. I mean, hats off to him. There is one dialogue in the film whereby he recites some lines and then concludes it with Safaroshi ki tamanna ab hamare dil mein. So that was an excellent thing, I mean, to watch out for. I'll surely be watching out for Sharad Kelkar in the movie. True. Aur surprisingly, jaise apne kaha tha, Nora Fatehi ko ek aisa role mila hai jis tarike se movie ke looks hai, aisa lag raha hai ki shayad Nora Fatehi koi spy hogi, jo koi Indian spy hogi, जो पाकिस्तानी कैंप में जाती है. क्योंकि इन वन ऑफ द सीन्स हम देखते हैं कि कोई पाकिस्तानी ऑफिसर जो अजय देवगन के साथ बात कर रहा है, देन वी सी इन अनदर सीन जिसमें नोरा फतेही उस ऑफिसर के साथ है. सो देयर इज जस्ट अ हिंट दैट शी कुड जस्ट बी प्लेइंग अ स्पाई. एंड और एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप थोड़े सीन्स देखोगे तो उसमें हमको पर्ल हार्बर और 1917, ये जो दो हॉलीवुड मूवीज है, उसका रेफरेंस आता है. जी जी, या तो जिस तरीके से जो प्लेन्स, या पर्ल हार्बर, जिस तरीके से पर्ल हार्बर में जो जापानीज प्लेन्स रहते हैं और वो अमेरिका पे अटैक करते हैं, तो वो जिस तरीके का माहौल रहता है, बिल्कुल ट्रेलर ने हमको उसी माहौल के कुछ दर्शन करवाए हैं. ऐसे मे बी बिकॉज दोनों की जो कहानी है, जो घटना है, वो कहीं ना कहीं कॉमन है. जो बेस उनका जो क्रैश होता है, तो शायद मैं भी वहां से इंस्पायर नहीं हो कह सकते, बट थोड़े बहुत रिमेम्बरेंस आ जाता है वो फिल्मों का, इसको देख के, ट्रेलर को देख के. मे बी जो ओकेजन है वो बहुत सिमिलर है.
तो शायद हो सकता है उन्होंने कॉपी ना किया हो, ओकेजन ही ऐसे हैं कि वो सीन आना ही चाहिए उसमें, बट 1917 का भी लगता है थोड़ा बहुत कॉपी लगता है, थोड़े बहुत सीन लगते हैं, बट नथिंग रॉन्ग, हमारी फिल्म अच्छी है, लग रही है अच्छी भी तो कमर्शियली। और जहां पे शरद केलकर जहां पर एक बॉक्सर दिखाए गए हैं, आई थिंक जैसे वो उनका जो बैकग्राउंड है वो एक बॉक्सर का है, एंड दैट इज हाउ ही कम्स टू द आर्मी बिकॉज ऑफ सॉलिड फिजिक। और जो संजय दत्त और जो सोनाक्षी सिन्हा का जो कैरेक्टर दिखाया गया, दे आर शोन टू बी हार्डकोर विलेजर्स बेसिकली, they look more like Rajasthani villagers, I mean by the looks and the by the dialogue delivery. Yeah, the demography of Kutch Rajasthan is simple, दोनों की demography एकदम same ही है। हाँ, तो वो काफी काफी कुछ similar है, मतलब उन दोनों को इस तरीके से दिखाया गया। And Tapan, you talked about one scene that recreating the base by 300 women, so that scene is there. There's a glimpse of that scene. तो ज्यादा ग्लिम्स देंगे नहीं क्योंकि वो फिल्म की जो कहानी उस पर बेस्ड है, तो अभी ट्रेलर में ना दिखाए तो अच्छा है, बट स्टार्टिंग में जो बताया है वो कहने की कोशिश वही की है। अच्छा, अनदर थिंग आपने नोटिस किया हो तो ट्रेलर में हम लोग इंदिरा गांधी जी की भी झलक देख सकते हैं, और हम सैम मैनेकशॉ जो थे उस टाइम पे, हम दोनों कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, सो उनका मेंशन है उधर ट्रेलर में, राइट। And Indira Gandhi is played by Navani Parihar, who is one of the most brilliant actresses. Yeah. And she suits to that role. Exactly. Yeah. And she has done similar kind of role in the series called Pradhan Mantri. There is a series on Star Plus called Pradhan Mantri. That was hosted by Shekhar Kapoor actually. And in that, all the episodes, she plays Indira Gandhi. And that to perfection. Oh. So she does a similar kind of a role here. ओके, सो मूवी के बारे में एक छोटा सा ट्रिविया मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मूवी 90% कंप्लीट हो गई थी लास्ट ईयर मार्च 2020 में 90% मूवी वाज कंप्लीट। द मूवी वाज एमिंग टू रिलीज अराउंड 15th अगस्त 2020 लास्ट ईयर, लेकिन कोरोना के चलते हुए क्या हुआ कि बिकॉज मूवी का शूटिंग रुक गया, तो इस मूवी की वापस रीशूटिंग नवंबर 2020 के आसपास वापस शुरू हुई, और ये मूवी अभी मार्च 2021 में इसका पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट हुआ। एंड जिस तरीके का डेट इन्होंने सेलेक्ट किया है 13th अगस्त, विच इज वेरी क्लोज टू 15th अगस्त, तो एज इट इज एक तरीके का पैट्रियोटिक फ्लेवर और पैट्रियोटिक एसेंस है, जिसकी वजह से मूवी को बहुत हेल्प होने वाला है। दिस इज व्हाट इट सीम्स। Yes, Disney Hotstar are trying to encash on that patriotism flavor, basically, as you said, because it is releasing around the same date, 13th of August. Yeah. Even this movie का जो पूरा जो set है, वो शायद मांडवी में लगाया था। पूरी फिल्म भुज में शूट नहीं हुई है। ये पूरे एरोप्लेन का पूरा सेट बनाया गया है। Wow. जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं उसी जोन का हूँ, तो मतलब वहीं का हूँ भुज का प्रॉपर, तो मुझे काफी लोकल आर्टिस्ट भी हैं दोस्त उसमें, तो काफी मुझे सुनने मिला था कि वो पूरा सेट बनाया था उन्होंने मांडवी में, शायद अब पता नहीं लोकेशन एग्जैक्ट। ऑफ लेट वी हैव सीन कि अक्षय कुमार वाज ऑलवेज कैशिंग इन ऑन द पैट्रियोटिक फ्लेवर, पर नाउ अजय देवगन इज आल्सो स्लोली कैचिंग अप ऑन द पैट्रियोटिक थिंग, राइट। एग्जैक्टली। ओवरऑल ट्रेलर इज गुड, जो हमको देखना है कमर्शियल फिल्म, ओवरऑल ट्रेलर में सारी चीजें हैं और फिल्म एंटरटेन तो पक्का करेगी ऐसा लग रहा है। या एंड वन स्पेशल मेंशन, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ट्रेलर में देयर इज वन कैरेक्टर जिसका नाम ओमानी है। ओके, ओमानी ये कैरेक्टर प्ले किया है पवन, एक कैरेक्टर है जो एक सिद्धांत करके सीरियल था जिसमें जो बहुत फेमस हुए थे, ही प्लेड अ लॉयर इन दैट सीरीज। There was a channel Star One which had launched बहुत साल पहले, जिसपे सिद्धांत करके एक सीरियल आया था, and Pawan Shankar had rocked him, मतलब उसने उस रोल को नेल कर दिया था। So I am very much sure कि Pawan Shankar को लोगों ने इतना इतना देखा नहीं रहेगा ऑफ लेट, लेकिन he is a fabulous actor. So मेरे ख्याल से उसको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इस मूवी के थ्रू अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाने का। जी, और कुछ आइडिया फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया के बारे में?
अभिषेक दुधैया, सो द थिंग इज दैट अभिषेक दुधैया के बारे में ज्यादा तो हमने सुना नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेलर हम लोग ने देखा है तो लगता है कि वो बहुत ही मंजे हुए डायरेक्टर है. मतलब उन्होंने डिफरेंट इमोशंस, जैसे उन्होंने संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा या फिर अजय देवगन या फिर नोरा फतेही, इन सबके जो अगर हम कैरेक्टराइजेशन देखे हैं तो लग रहा है कि डायरेक्टर ने काफी काम किया है इस मूवी के ऊपर. राइट. और एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि अभिषेक दुधैया जो है ना सिर्फ फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं बल्कि फिल्म के को राइटर भी हैं. ओह दैट्स ग्रेट. सो ओवरऑल, सो आई फील जब ये मूवी आएगी तो हमारी टीम इसको डेफिनेटली रिव्यू करने ही वाली है. और मेरे ख्याल से जब हम एक मूवी को फुल पूरा देखकर रिव्यू करते हैं तो वो रिव्यू तो कुछ अलग ही लेवल का रहता है. लेकिन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव अगर ट्रेलर को देखें तो मूवी बहुत ही मसाला एंटरटेनर लग रही है. और इसमें एक ब्लॉकबस्टर होने के सारे कंपोनेंट्स भरे हुए हैं ऐसे लग रहा है. बिल्कुल फुल पैकेज है ये, फुल पैकेज मूवी बनाई तो लग रहा है अभी तो. और अगर उस टाइम तक कोरोना की सिचुएशन बेटर रही तो आई अज्यूम कि ये फिल्म थिएटर्स में भी साथ-साथ पैरेलली रिलीज की जा सकती है, जस्ट लाइक दी राधे मॉडल फॉलोइंग. तो उस तरीके से अगर ये फिल्म थिएटर्स में आती है तो डेफिनेटली अराउंड अगस्त, एंड इट इज डेफिनेटली विल बी अ प्लेजर टू वॉच दिस सच अ गाला मूवी ऑन अ बिग स्क्रीन रादर देन एट द कंफर्ट ऑफ योर होम्स. सो I mean, it should release on theaters. Inshallah. Yes. हम तो बहुत hope कर रहे हैं sir. Films theaters के लिए ही बनी है actually. बिल्कुल. These are actually the commercial films जो देख के आपको city माने का मन करेगा और वो mobile में नहीं मजा आता है. Right. Theaters में मजा आएगा था देखने का ये. But guys, don't you think 15th August को एक और एक बड़ी movie थी जो release होने वाली थी और जिन्होंने announcement भी कर दिया था, वो है सूर्यवंशी. सूर्यवंशी. I believe that Rohit Shetty and team had announced कि शायद वो लोग 15th August को aim कर रहे थे, लेकिन अभी भुज जिस तरीके से भुज में भी एक patriotic flavor है, so अगर उस समय पे theaters में movie release होता है, तो Rohit Shetty will be very cautious क्योंकि उन्होंने बहुत wait किया है, even Rohit Shetty ने बहुत wait किया है सूर्यवंशी को पुट फॉरवर्ड करने के लिए. लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. लेकिन सर जैसे इसका प्राइमरी मॉडल जो है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही है. आई मीन इट्स मेजरली रिलीजिंग ऑन ओटीटी. इट माइट बी अ चांस दैट द थिएटर्स आर ओपनिंग एट दैट टाइम एंड इट माइट रन पैरेलली इन थिएटर्स एज वेल. बट आई मीन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो हिट इनको लेना पड़ेगा बिकॉज नाउ दे हैव टाइड अप विद डिज्नी हॉटस्टार. तो इनको कहीं ना कहीं तो हिट लेना पड़ेगा. इट कैन नॉट, इट विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद दैट विद अ मूवी. सूर्यवंशी टीम इज वेरी क्लियर दैट दे विल रिलीज देयर मूवी ओनली ऑन थिएटर स्ट्रिक्टली. दे आर नॉट फॉलोइंग एनी ओटीटी मॉडल. ट्रू ट्रू. सो देयर आर टू बिग मूवीज व्हिच आर एमिंग ओनली फॉर अ थिएटर रिलीज. एक है सूर्यवंशी एंड अनदर वन इज 83. राइट. 83 या. एंड आई आल्सो हर्ड अबाउट सत्यमेव जयते 2. So that also, I think, was supposed to be released around this 15th August date. 15th August. Yes, yes, yes. John Abraham Wali. Yes, yes. John Abraham Wali. कुछ आया नहीं बाद में उसका. Because filmmakers are not confirmed, उनको समझ नहीं आ रहा है अभी. Even theaters open also, no? It's only 50% capacity with so many rules and regulations. Public won't go to theaters. Right. They won't take risk. Families won't take risk, obviously. जहां तक अगर आपको याद है एक मूवी था दिल बेचारा, जब वो मूवी रिलीज हुआ था, आई मीन सुशांत के डेथ के बाद, तो उस मूवी को बहुत ही मैसिव बहुत लोगों ने देखा था. इवन लक्ष्मी अगर हम कंसिडर करें अक्षय कुमार की लक्ष्मी, यस. तो ये एक बेनिफिट हो सकता है कि उसके वजह से जो डिज्नी हॉटस्टार है इसका कवरेज या जितने लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं because of this movie wo subscriber count badh sakta hai. Bilkul. There is yeah, they are affiliated only. Yeah. See, patriotism never around 15th August is always going to be in cash. There's been a trend in past few years. We have seen movies releasing around that time, Chak De or probably some other very good movies that have released around that time and did really well. So we assume the same for Bhuj as well.
Okay, then I believe that we have done justice to the trailer review, and we would also want our audience ki audience ne ye discussion sunne ke baad audience bhi apna viewpoint de ki audience ko kya lagta hai, kya audience ko lagta hai ki is trailer mein kuch aisi baat thi jo humse miss out hui ho. तो आप सब कमेंट कीजिए, आप हमारे पोस्ट को शेयर कीजिए और आप भी हमारे इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कीजिए. एंड ये तो जस्ट शुरुआत है. आने वाले डेज में हर नए मूवी जिसका ट्रेलर रिलीज होगा, वाइस मूवी रिव्यूज की टीम उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेगी. एंड जब मूवी रिलीज होगी तो फिर वी विल गिव अवर ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यूज एज ऑलवेज. इसी नोट के साथ थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. यस यस. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. हैव अ गुड डे.